नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज डे 8 पर मैं बनाने वाली हूं केसर संदेश। आपने बहुत सारे संदेश खाए होंगे, बट इस तरह से एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है 200 ग्राम अमूल मलाई पनीर। इससे करीब 10 से 12 संदेश बन जाएंगे। वैसे आप कोई सा भी पनीर ले सकते हैं, पर ध्यान रहे पनीर ताज़ा होना चाहिए। इसे कद्दूकस कर लीजिए। अब इसमें 10 से 12 केसर के स्ट्रैंड्स डाल दीजिए। शुगर स्वाद अनुसार डालिए। आप शुगर की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। 2 इलायची के सीड्स को पीस कर डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से मैश कर लीजिए, जब तक शुगर अच्छे से घुल ना जाए। अब इसको अपनी हथेलियों से अच्छे से मैश कीजिए। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे। इसका हमें एक मुलायम आटा गूंदना है। ये देखिए, अब ये रेडी है। इसकी गोलियां बनाकर इसे आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसे पेड़े का शेप दिया है और इसके बीच में एक सनफ्लावर सीड प्रेस करके डाल रही हूँ। ऐसे ही सारे संदेश बना लीजिए। ये देखिए, रेडी है आपका केसर संदेश। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख लीजिए और फिर जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब सर्व कीजिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।